प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कौन है वो शातिर चोर जिसने मचाया है पूरे शहर में शोर? आज तक जिसका किसी को नहीं था पता, कल तक देगा आपको सब कुछ बता। जी हाँ, कल तक में हम आपको दिखा रहे हैं उस चोर की तस्वीर, ये देखिए। देखा आपने? इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। आप इसके भोले चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि ये इंसान कोमल, आपके दांतों में लगा कोमल, आपसे वक्त पूछकर आपकी घड़ी चुरा। नहीं नहीं नहीं, और नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे तुम इसी तरह नाश्ता करते रहोगे ना तो लंच टाइम तक नाश्ता करोगे। अरे मैं नाश्ते की नहीं, टीवी देखो टीवी। कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और अभी आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में बंद। टीवी पे चंपक चाचा आ रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि चंपक चाचा चोर है। अब हमें ये देखना है कि इसके घर वाले क्या करते हैं, क्या पुलिस इसे सजा देगी या नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती, चंपक चाचा ऐसे कर ही नहीं सकते। कोमल, हमें जेठालाल के घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम भिड़े भाई को फोन करो। ठीक। अगर अगली बार तुम्हारे घर से मुझे कंप्लेंट आई कि तुम पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हो तो मैं तुम्हें क्लास में मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो। तुम क्या खड़े हो, बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है, ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई, बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई, मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। लेकिन सर, टीवी देखो ध्यान से देखिए। इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था, मगर अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा, पुलिस इसके नाम बड़े और दर्शन खोटे, दान धर्म करने निकले। चंपक लाल जी का नहीं हो, चंपक चाचा ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। लगती कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी, मैं ट्यूशन लेती हूँ। सुनो, बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। तपो, मैंने बोला ना यह फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जीत मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल है घर पर ही है। मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चले गए ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो। अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। डब्बू पहले टीवी ऑन कर, बाद में बताता हूँ।
इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटायरी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, उसका छोटा पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दिया ना, तो मेरा नाम गया नहीं। देखा जेठालाल, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बैट तो ले लो। दया क्या बैट ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं, बापू जी को पुलिस स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में। पापा मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो चलो भैया, बता रहा था वो बीपी जो है ना। अरे चलो यार अभी भाई, जरा जल्दी जल्दी। जेठालाल जेठालाल, तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये दो दांत बीबी के अंदर होगा। देखिए आपका बात सही है लेकिन देखने देखने कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे एक मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा तुम्हारा भी दो दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए तू आदमी है या पजामा, तेरे को दिखता नहीं जेठापुरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता लेकिन तुम कहाँ सुनता। कल मैं आपको समझाता कि बापूजी गले में से पैसा निकालता मैं फंसता, अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसे निकाल कर तुमको देता। भाई बात समझ में आता? आता, हमको सब समझ आता। हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता? देखो रेड्डी भाई धंधा है ना, विश्वास से होता है। आप ऐसे मारा मारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा है? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। आश मैं तो साहब बहुत लेट हो गया। चलो चलो, चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना। हाथी भाई भीड़ है, सोटी भाई। समझ गया, आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिटे। अरे भाई क्या समझ गया, अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, चलिए चलो चलो। इधर क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स हैं, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं। उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे लेकर छूट जाते हैं। हे? इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप। तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ मैं। छोड़ो साहब, ये बुढ़ा भूत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके बारे कितना परेशान हो गया था। नालायक तेरा फोन क्यों मना रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता।
आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? गौरे, यस सर, ये सबूत है? ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ अच्छा, काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बाबूजी ने मेरा ही गल्ला सा चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर, अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं, और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ, अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी, कलम की ताकत नहीं पता आपको। पुलिस स्टेशन में खड़े हो गए, पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी? अच्छा आप पियेंगे? अच्छा दो तीन चार, चार ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ ले रहे, बाबूजी को छोड़ दो। ये बाबू चाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था, और अभी तू मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है? गौरे, यस सर, पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मैटर? अरे अच्छा वो, अरे अच्छा डालो अंदर, डालो सुनो, अरे एक भी अरे डालो उसे, अरे सुन देखा है बाबू चाक, कहीं ना रोक ना, अरे मत है। इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गौरे, यस सर, किसकी भी कलम तोड़ा, बार बार ये कलम की धमकी दे रहा है, कलम घंटा लगा जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा, आजाद देश है ये, हर किसी की आवाज दबाने के, अरे लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र है, बापू जी को छुड़ाने हम करोगे आपके खिलाफ, शांत शांत हो जाइए, बापू जी को छुड़ाए, आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो सेठ जी, मैं टीवी में बापूजी के बारे में क्या देख रहा हूँ? अरे नटू काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है, दुकान में जो टीवी है वो आपके देखने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए है, आप टीवी छोड़ो और दुकान का ध्यान रखो। नहीं नहीं सेठ जी, ये सब देख के मुझे बहुत धक्का लगा है, अगल बगल वाले लोग पूछने आए बापूजी के बारे में, उससे पहले मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ। अरे नटू काका, दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ए मोबाइल बंद कर, लॉकअप में मोबाइल अलाउ नहीं है। क्या मुसीबत है, बापूजी को छुड़ाने आए थे, हम खुद अंदर हो गए। मेहता साहब क्या करें अभी? भगवान क्या होगा भाभी, कुछ नहीं होगा, शांति रखिए, वो लोग आ जाएंगे। ओए टप्पू, तेरे दादाजी तो फेमस हो गए, टीवी पे भी आने लगे। अरे ओए गोगी चुप, क्या कुछ भी बोलते रहता है, बैठ चुपचाप। अरे दया भाभी, अभी अभी टीवी में देखा कि आपके ससुर चोर है। हट, चुप कर। फिर टप्पू के पापा को बहुत देर हो गई है, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ आप जरा फोन कीजिए ना जेठा भाई को, पूछो ना क्या हुआ। अरे वही तो, कभी से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है, जेठा भाई को ट्राई किया, मेहता जी को ट्राई किया, फिर भी ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सोनी भाई, भिड़े भाई, आप लोग वहाँ जाइए ना। ओ दया भाभी जी, आप चिंता मत करो, असली लोग अभी जाते हैं और चाचा जी और जेठा प्रा को छुड़ा के लाते हैं यूं चुटकी में। बूढ़ी अपने पास बहुत टाइम है, रास्ते में बचा लेना तुम चुटकी। हाँ चलो। अरे सुनिए भिड़े भाई, बापूजी को लेकर ही आना, और अगर नहीं लेकर आए तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ दया भाभी को पकड़ना, मेरा मतलब है संभालना, चल छोड़ी। हे भगवान, दया भाभी आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे, हम है ना। वाह बापू जी वाह,
एक बार और हो जाए। ये बाबूचक, ये भजन है, कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और। जग्गू। हाँ जी। ये नरसिंह मेहता का भजन है। इसका मतलब है, भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने तो पुलिस स्टेशन की इस कोठरी को मंदिर बना दिया है और हम सबको प्रेम और करुणा का महत्व समझा दिया। लेकिन ये बात जेठा समझे तब ना। बापूजी, मैं अभी सब कुछ समझ गया हूँ। आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जग्गू को गैरेज खोलना है, उसके लिए उसे पैसे देने। मैं आपके पैसे कमा कमा कर लौटा दूंगा। मालूम है भाई, मालूम है, कोई पैसा वापस देता नहीं। बापूजी, ऐसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं, बुरा मत मानना। क्या है वो, ऐसे लोगों को पैसा देना मतलब गर्म तवे पे ऐसा पानी छिड़कना। वो पैसे कभी वापस आते ही नहीं है। और अभी बस बहुत हो गया ये दान। बापूजी, ये दान की वजह से तो हम लोग इधर जेल में पहुंच गए, और दान करेंगे तो सीधा फांसी पे चढ़ जाएंगे। जेठा। इंस्पेक्टर साहब, ये शेठ जी चोर नहीं है, ये तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मुझे अंदर डालिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अरे, इधर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? अरे तू है कौन? मैं वही हूँ जिसकी इन्होंने दुनिया बदल दी है। शेर जी, पहचाना मुझे? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा? आज ही मैंने ठेला डाला है। वाह। और उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा है, चंपक सेठ का वड़ा पाव। ए, चल भाग यहाँ से। साहब, ये चोर नहीं है, ये देवता आदमी है। मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। साहब, मैं कह रहा हूँ ये चोर नहीं है, ये निर्दोष है। हाँ, हम सब निर्दोष है। आप तुम्हारा बोलिए ना। मैं हाँ, हम सब निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। साहब, छोड़ दीजिए ना। सकाराम, इसको बाहर निकालो। सब बोल रहे हैं। काले साहब, मुझे तो पक्का डाउट है वो चोर नहीं है। अगर अब किसी ने भी ये कहा कि ये आदमी चोर नहीं है, तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चाचा जी, जेठा और मेहता साहब, आप भी? इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? ये आदमी चोर नहीं है। इन दोनों को अंदर डालो। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे चाचा चंपक जी हैं, और साथ में वो जेठालाल और तारक मेहता जी हैं। अरे हम लोग सारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, ये लोग बिल्कुल चोर नहीं हो सकते। ये तुम मुझे सिखाओगे कि कौन चोर है कौन साहूकार? अरे नहीं, मैं आपको एक मिनट छोड़िए, मैं बात करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे वाह, कुठली शाळा? नहीं नहीं, शाळा नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। अच्छा, कुठल्या नावाने सुरू केले? शट अप। मैं एक शिक्षक आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि ये आदमी चोर नहीं है। आप शिक्षक हैं? हाँ। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे। ज्यादा चू चपड़ की ना तो दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं सब समझ रहा हूँ। बेगुनाहों को आपने अंदर डाल के रखा हुआ, और गुनाहगार बाल खुले में घूम रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं आपकी ये हरकतें। कानून मैंने भी पढ़ा हुआ। शट अप। तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन दोनों को अंदर डालो, दोनों को अंदर डालो। अरे देखो, मैं एक शिक्षक खराब कर दिया है जब से। मैं एक शिक्षक हूँ, देखो। हेलो, शिक्षक रक्षक बनने आया था हमारा। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। अब सोचिए, जब सोसाइटी सारी की सारी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हो तो क्या होगा? अरे पुलिस का क्या होगा, कांस्टेबल्स का क्या होगा? अब यहाँ पे हथकड़ियों की आवाज, कांस्टेबल की चिल्लाहट, डंडों का जोर, इन सब के बीच में जो आवाज सबसे ज्यादा जोर से आएगी वो होगी आपके ठहाके। इस बात की गारंटी जरूर है, इस लॉकअप में और कुछ हो ना हो, लेकिन हंगामा जरूर होने वाला है, और हंगामा का रिजल्ट अकेला एक ठहाके, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.